हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.5, क्लास 9, चैप्टर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट, अब इसमें स्टूडेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है कि रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ पर रूट 9.3 है, उसको नंबर लाइन पर शो करना है। हो सकता है रूट 6.2 दे दे, उसको भी नंबर लाइन पर शो करने के लिए बोल सकता है। रूट 10.5 भी दे सकता है, कुछ भी स्टूडेंट दे सकता है। उसको किस पर शो करना है, नंबर लाइन पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि इसको पहले बेसिक से देख लेते हैं स्टूडेंट कि ये क्या है एक्चुअल में। जैसे सपोज दैट आपसे बोल दे कि आप रूट 2.5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। किसको, 2.5 को। तो इसका पहले मैं स्टूडेंट रफली डायग्राम बना रहा हूँ। आप पहले 2.5 लाइन ड्रॉ करेंगे, 2.5 की ये कितनी है, 2.5। स्टूडेंट इसमें आप 1 यूनिट आप अपनी तरफ से ऐड करेंगे, 1 यूनिट क्या करेंगे आप अपनी तरफ से ऐड करेंगे, हो जाएगा ये। तो ये मान लिया हमने ओ, और इस पॉइंट को ले लेते हैं बी, और ये पॉइंट है सपोज डी, हर एक में यही लेके चलेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, ओ बी अब आपका कितना हो गया, तो ये तो 2.5 था और ये स्टूडेंट बने तो ये 3.5 हो गया, कोई बात नहीं। अब ओ से बी का अब मिड पॉइंट निकालें, तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा स्टूडेंट, मिड पॉइंट निकालने के लिए आप हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे, इधर आर्क लगाएंगे, ऐसे आर्क लगाएंगे स्टूडेंट, और ये आपका ऐसे लगेगा और ऐसे लगेगा, और इसको स्केल से क्या कर देंगे आप स्टूडेंट, जॉइंट कर देंगे। तो ये हो गया स्टूडेंट इसका मिड पॉइंट। अब स्टूडेंट मिड पॉइंट हो गया तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे, आप एक क्या कर देंगे इसमें सेमी सर्कल क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे आप, एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। अब जो 1 सेंटीमीटर जो यूनिट डिस्टेंस आपने बढ़ाई थी, आप इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन ले जाएंगे इसकी, कैसी लाइन, परपेंडिकुलर। तो जो ये वाली जो डिस्टेंस है, यही स्टूडेंट डिस्टेंस है रूट 2.5। अब इसको आप स्टूडेंट ई पॉइंट ले लेना। अब ये स्टैंड, ये डिस्टेंस आपकी 2.5 है, तो आप ऐसे यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके नंबर लाइन पर शो करना है, तो आप यहाँ से रेडियस लेकर के ऐसे ऐसे एक रेडियस ले लेंगे ऐसे। तो ये जो आपकी डिस्टेंस है, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, ये यही आपकी जो डिस्टेंस है वो है रूट 2.5। ओके, अब स्टूडेंट मैं स्केल का प्रयोग नहीं करूँगा, डायरेक्टली आप देखेंगे। अब सपोज मैंने आपसे कह दिया कि 6.2 का बनाइए, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे, 6.2 डिस्टेंस, उस 6.2 की डिस्टेंस हो गई है, 1 यूनिट आप अपनी तरफ से ऐड करेंगे, इसको मैं अलग तरीके से लिख कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये समझ गए होंगे आप 1 डिस्टेंस को। अब आप इसका क्या लेंगे, हाफ, मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट से आप रख के आप एक ऐसे सेमी सर्किल बना लेंगे, ऐसे सेमी सर्किल बना के यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है वही आपकी कितना है रूट 6.2, और आप यहाँ से यहाँ रेडियस रख के ऐसे मार्क लगा देंगे, तो ये जो डिस्टेंस आ गई है यही है रूट 6.2। एक बार फिर स्टूडेंट देखते हैं, एक और स्टूडेंट ले लेते हैं, जैसे कि मुझे सी में बनाना है क्वेश्चन नंबर, मतलब जो है उसका बनाना है 9.3 का, किसका बनाना है 9.3 का। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, आप 9.3 की लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 यूनिट आप अपनी तरफ से ऐड करेंगे, इसका आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट निकाल के इसका क्या कर देंगे स्टूडेंट, सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे, सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये जहाँ पर कट करेगा तो ये वाली जो डिस्टेंस है वही क्या है आपकी रूट 9.3। ओके स्टूडेंट, और आप यहाँ से एक रेडियस रख के ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका रूट 9.3। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया कि नहीं। अब इसको हम करते हैं
क्वेश्चन। तो स्टूडेंट सबसे पहले कह रहा है कि रिप्रेजेंट द रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले आप 9.3 की डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे आप। आप देख रहे होंगे यहाँ से 6, 7, 8, 9, यस 9.3। तो स्टूडेंट हो गया ये क्वेश्चन का 1 यूनिट हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे। ये हो गया 10.3। यस या नो? यस। जो पहले जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी इसको हमने मान लिया ओ बी, और ये ओ बी कितनी है आपकी, मार्क द लाइन सेगमेंट ओ बी कितना है 9.3 ऑन नंबर लाइन पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 यूनिट डिस्टेंस आपकी यहाँ तक आ गई, तो ये पॉइंट हो गया आपका सी। यहाँ तक स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम? नो। अब इसका क्या करना है, हमें मिड पॉइंट निकालना है ओ सी का। तो ओ सी का स्टूडेंट मिड पॉइंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे स्टूडेंट, एक मार्क आप ऊपर लगाएंगे ऐसे, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे आप ऐसे मार्क लगाएंगे, नीचे भी लगाएंगे। फिर स्टूडेंट क्या करेंगे आप, यहाँ से ये मार्क हो गया और नीचे भी हो गया। ओके, इसको क्या कर देंगे स्टूडेंट, स्केल के द्वारा जॉइंट। ये हो गया स्टूडेंट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट दैट इज अ डी। यहाँ पर लिखा है आपको फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ओ सी, ओ सी का मिड पॉइंट निकाला किससे, मार्क कर दिया डी से। ये मैंने स्टूडेंट इस वजह से लिख लिया है क्योंकि जल्दी हो जाए, क्योंकि इसको भी लिखने में मैं टाइम बहुत लगेगा, ठीक है ना, इस वजह से। अब ये हो गया, अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये स्केल रखें, कंपास का आयरन पॉइंट रखा यहाँ पर, और आप यहाँ से क्या कर देंगे सेमी सर्किल क्या कर देंगे ड्रॉ। देखो बिल्कुल एक्यूरेट आया स्टूडेंट, आपने ये कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो भी कैसी जानी चाहिए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइन कैसे जाएगी स्टूडेंट, आप क्या करना, प्रोटेक्टर से जल्दी ले लेना फास्टली, मैं आपको वैसे करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, आप कुछ नहीं करना, प्रोटेक्टर से ले लेना, ऐसे करेंगे और एक पहला जो मार्क लगेगा वो आपका 60 का, दूसरा मार्क 120 का, एक यहाँ से आर्क लगाएंगे आप और एक 120 से लगाएंगे, यहाँ पर ये कट कर रहा है वो आपका कितने का हो जाएगा 90 का। तो स्टूडेंट ये किस जगह कट कर रहा है, उस पॉइंट को हम क्या ले लेंगे, अब यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट, इसको ले लो आप ई पॉइंट, क्या पॉइंट ले लिया ई पॉइंट। ओके, अब स्टूडेंट अब आपको क्या करना है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू द लाइन ओ सी, ओ सी का परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया पॉइंट बी से, तो इंटरसेक्ट किसको काट रहा है, सेमी सर्कल को ई पर, टेकिंग द बी, बी को आप सेंटर लेंगे और बी ई एक रेडियस लेंगे, बी ई एक क्या लेंगे रेडियस, बी को सेंटर लेंगे और बी ई को आप क्या लेंगे, यस ये ले लिया आपने रेडियस, ले ली रेडियस लेके ड्रॉ द इंटरसेक्ट द नंबर लाइन, और आप इसको यहाँ से क्या कर देंगे नंबर लाइन को क्या कर देंगे ड्रॉ। यस, अब यहाँ पर क्या होगा कि ड्रॉ अ इंटरसेक्टिंग नंबर लाइन एफ, अब जो आपकी ये जो नंबर लाइन है या और आगे इसको अब आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने आगे क्यों नहीं बढ़ाया था, क्योंकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए।
तो ये स्टूडेंट इसको यहाँ पर काट रही है पॉइंट एफ। ओके स्टूडेंट, तो अब स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पर, तो जो बी एफ है आपका, ये जो बी से एफ है, बी से एफ, ये स्टूडेंट है आपका रूट 9.3। तो सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, फिर उसके बाद वन डिस्टेंस आपने अपनी तरफ से किया बढ़ाया, फिर ओ सी का मिड पॉइंट निकाला जो पॉइंट डी था, डी को हमने सेंटर लेकर के हमने क्या ड्रॉ किया, सेमी सर्किल ड्रॉ किया, फिर यहाँ से हमने बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो सेमी सर्कल को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर हमने क्या लिया स्टूडेंट, फिर लेट द इंटरसेक्ट द सेमी सर्कल, ई हो गया पॉइंट, फिर हमने टेकिंग बी द सेंटर, बी को हमने सेंटर लिया, बी ई रेडियस ले लिया आपने, बी ई आपने क्या ले लिए रेडियस ले ली, ड्रॉ आर्क इंटरसेक्ट नंबर लाइन एट एफ, उस नंबर लाइन पर उसमें हमने क्या लगा दिया आर्क लगा दिया ये वाला, तो जो बी से एफ है, बी एफ है वो आपका कितना है रूट 9.3, बी से एफ आपका कितना है रूट 9.3। यही स्टूडेंट हमें कंप्लीट करना था स्टूडेंट, ऐसे ही अब मैंने आपको वैसे तो समझा दिया था रफली, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। 1.5 एक्सरसाइज स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज क्या हो गई कंप्लीट हो गई, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो रैशनलाइज है, वो सिंपल है क्वेश्चन है। ओके थैंक यू स्टूडेंट।